क्या चुनौतियां रही, कैसे आपने स्टार्टअप किया अपना ये पूरा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि क्या ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप देसी गाय लाते हैं, देसी गाय में 2-3 लीटर दूध है। ऐसा नहीं कि ये 2-3 लीटर की ही गाय होती हैं। ब्राजील ने हमारी देसी गायों को लेकर, जिसमें गिर हैं, अंगोल हैं, आपकी रेड सिंधी हैं, साहिवाल हैं, उन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय नस्लों पर जो है बैठाई हुई है, और वो हमसे कहीं आगे हैं इस चीज़ में। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि हमारी हमें इन्फ्लुएंस करने वाला जो स्रोत है वो हमेशा यूरोपियन मीडिया रहा है, और यूरोप की काउज हमने जो है बिना सोचे से समझे, या उस समय जो लोग रहे होंगे उन्होंने इतनी दूरदर्शिता नहीं रखी कि A1 टाइप दूध की गाय हमने इंपोर्ट कर ली, और पूरा जो हमारा जो गौवंश है पूरा वो जो है HF जर्सी और स्विस ब्राउन गायों से मिक्स हो गया और सब जो है बर्बाद हो गए इस चक्कर में। जी, तो चुनौतियाँ जो पहली थी वो थी कि आप सक्सेसफुल कैसे रहेंगे, दूसरी चुनौती ये थी कि आप प्योर ब्रीड्स कहाँ से लाएंगे, ठीक है, तीसरा आपकी जो सेलिंग कैसे होगी, ठीक है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ ऑब्वियसली उसका पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है, चारा कहाँ से आता है, कैसे कटेगा, कैसे दूध प्रोसेस होगा, कैसे कस्टमर्स तक पहुँचेगा, तो ये सब 3-4 पहलू हैं इस पूरी चीज़ के।